सबको जय यीशु की। हर साल संपूर्ण गलीसिया 29 अगस्त को संत योहन बपतिस्ता की शहादत का पर्व मनाती है। संत योहन बपतिस्ता रेगिस्तान में रहते थे और एक साधारण जीवन को जीते हुए उन्होंने अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया। वे यर्दन नदी में लोगों को पश्चाताप का बपतिस्मा देते हुए कहते थे कि पश्चाताप करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट है। प्रभु यीशु ने भी संत योहन बपतिस्ता से यर्दन नदी में बपतिस्मा ग्रहण किया और उस समय स्वर्ग का द्वार खुल गया। उसमें से पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में प्रभु यीशु पर उतरा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी कि यह मेरा परम प्रिय पुत्र है। जब संत योहन बपतिस्ता राजा हेरोदेस को सचेत करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपने भाई की पत्नी हेरोदियोस को अपने पास क्यों रखा है, तब राजा हेरोदेस संत योहन को गिरफ्तार करवा देते हैं और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। एक बार राजा हेरोदेस का जन्मदिवस मनाया गया, तब हेरोदेस की पुत्री सलोमी ने वहां नृत्य किया और नृत्य देखने के पश्चात राजा सलोमी से कहते हैं, इस खुशी के अवसर पर तुम जो मांगना चाहती हो वह तुम्हें दिया जाएगा, भले ही वह मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो। इस पर सलोमी जाकर अपनी माँ से पूछती है कि इस खुशी के अवसर पर हमें राजा से क्या मांगना चाहिए। तब उसकी माँ उससे कहती है कि योहन बपतिस्ता का कटा हुआ सर एक थाल में चाहिए। और उसी समय सलोमी राजा के पास जाकर यह सब कहती है। यह सुनकर राजा हेरोदेस बहुत ही मायूस हो जाते हैं, परंतु वे अपने वचन पर अटल रहे, क्योंकि उन्होंने राज्य अधिकारियों के सामने यह वचन दिया था। और राजा सैनिकों को आदेश देते हैं, तब सैनिक योहन बपतिस्ता का सर काट कर एक थाल मिलाकर राजा को देते हैं और राजा योहन बपतिस्ता का कटा हुआ सर सलोमी को सौंप देते हैं और सलोमी अपनी माँ हेरोदियोस को सौंप देती है। और इस प्रकार संत योहन बपतिस्ता ने सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित कर दिया। आइए आज हम भी संत योहन बपतिस्ता के शहादत के दिन उन सभी क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो अपने जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित कर चुके हैं और जो प्रभु यीशु के नाम पर अत्याचार सह रहे हैं, कई प्रकार के जुल्मों को अपने घर परिवार और समाज में सहते हैं, कि प्रभु उन सभी के जीवनों में अपनी आशीष और सामर्थ्य प्रदान करें।